हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो भाई, जैसे कि गुड्डू की आज छुट्टी थी, तो उसने जो है अपने कमरे में ये बुक सेल्फ बनाया है। और देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सारी बुकें इसने अपनी जितने भी काम किए हैं इसके फ़िलहाल, क्योंकि 9th क्लास इसकी हो चुकी है कम्प्लीट, और रिजल्ट इसका अभी PTM था इसका परसों, लेकिन मैं जा नहीं पाई। मैडम से बात करूँगी, इसकी क्लास टीचर से, तो फिर इसकी परसेंटेज मुझे पता चल जाएगी। और 10th क्लास की इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इन किताबों को इसने पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी इसका सिलेबस आ जाएगा। हाँ, 10th क्लास में आगे गुड्डू दीदी, हमारे पेपर खत्म नहीं हुए। हम 2 साल तक पढ़े, अभी UKG में अटके। मैं तो 10th में आ गई बाबू। गाइस, ये अभी UKG में लटके पड़े हैं और ये 10th क्लास में आ गई 2 साल में। इसे तो ये पता कि 2 साल में ही गुड्डू दीदी 10th क्लास में आ गई, क्योंकि कोविड के बाद में इनका दूसरा साल ही तो है, इसलिए इन्हें पता है। तो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी टिक्की, ठीक है? चलो ठीक है, मेरे पास सुनो। सुनाओ। मैं स्कूल में चुपचाप बैठा रहा हूँ आज से, मैं और मैं अभी मार मार के चली जाऊँ। तो यहाँ पर आलू जो है प्रीति ने कद्दूकस कर दिए थे, इसमें पहले डालते हैं अरारोट। आलू के हिसाब से मैंने अरारोट इसमें डाला है, और अब डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च प्लस लाल मिर्च और प्लस नमक स्वाद अनुसार। क्या क्या डालना प्रीति? और बस नमक मिर्च डाल लो, बस यूँ ही डालना, थोड़ा गरम मसाला जरूर, बस थोड़ा गरम मसाला और ये लाल मिर्च पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करना। तो गाइस, यहाँ तैयारी हो रही है हरी चटनी बनने की। लाल चटनी तो क्योंकि रखी हुई है, तो हरी चटनी बनेगी यहाँ धनिया और हरी मिर्च की। ये धनिया और हरी मिर्च, जीरा, छोको के भी सब आने नहीं, या छुट्टी। अच्छा, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है ना। अरे, पतली सी चटनी बनेगी, क्योंकि टिक्की वाली चटनी जो होती है वो पतली होती है। तो चटनी बिल्कुल बनके तैयार है, देखो चाट वाली टिक्की वाली चटनी एकदम रेडी। अभी बाहर टिक्की बनने लग रही है, तो यही रख देंगे अभी। इधर हमारी दही भी है बिल्कुल रेडी, इसमें रही मारनी, बारीक करनी। अच्छा, पतली हो गए ना। मम्मी वो भूख लग रही, अबू का इंतजाम है बेटा जी। तो सबसे पहले हमने टिक्की बनाने से ये वाली शेप में बना लिए हैं ये, और बस इनको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना हाथों से, और फिर कढ़ाई में डाल लेंगे। और माँ कह रही होली पे गोलगप्पे भी बनवाइयो, तो ये होली स्पेशल टिक्की बननी। पहले एक बारी ने कद्दीस बना के बच्चों को, और देखो चारों तरफ को बैठे हैं चूल्हे के। हाँ बेटा, मैं तो बिना चाटके बिना चाट के बस काला मसाला काला मसाला दोड़ा मसाला डाल लिया, काले की क्या जरूरत है। काली हो जाएगी, काला मसाला। और उसी साइकिल नहीं चलाती, उसके सिर पर पता नहीं क्या भूत परेज चढ़ रही है। मम्मी तो कह रहे मम्मी आज चिंकी को कह दो टीवी चलाने। टीवी चला दी है चिंकी, पर मम्मी चल रही, मम्मी तो कई बार गैजेट चला रही है। हाँ ले ले मम्मी, मम्मी मैं क्या करूँ, लग उठो मम्मी मैं क्या करूँ।
मीठी मीठी चटनी, ये हरी चटनी और ये दही और ये टिक्की और ये आ गए हैं केले और फ्रूट भी है। भैया आप भी खा लो, आपने अपनी शादी में तो खाई नहीं होगी। खाई नहीं थी। गाइज यहाँ पर टिक्की जो है अच्छे से बन रही है और बच्चों ने तो टेस्ट करनी शुरू कर दी, भोग लगाते ही ये देखो। और यहाँ पर प्रीति तैयार करते हुए चाट मसाला डाल गए इस पर और तीनों तरह की चटनी दही डाल गए। अरे चल नमक मेरा चाहिए लगे ना, क्या दिक्कत है, और तो सारी चीज़ें हमारे पास। तीन टिक्के वाला पत्ता है भाई, घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध देसी स्टाइल में। और ये डाल दी दही, ये डाल दी खटाई और ये डाल दी हरी चटनी। बचाना नहीं भाई बिल्कुल भी, बहुत मेहनत लग रही सुबह तक ये टाइम वाली है ना। ये लो सबसे पहली प्लेट जो है, सबसे पहली प्लेट है पिताजी के लिए। पिताजी कैसी बन रही टिक्की? बढ़िया बन रही वो। बढ़िया बन रही हाँ। तो अच्छी है। कैसी लगी? बढ़िया टेस्ट आ रहा। बढ़िया टेस्ट आ रहा, बढ़िया आ रहा। माँ बाहर की चीज नहीं खाती ना, तो आज घर की खाई टिक्की, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा। नमा समोसे खाती, नमा टिक्की खाती। अब इंतजार कर रहा अमित, बाकी सब ने टेस्ट कर ली। अमित वगैरह अपने ब्याह में तो खाई नहीं थी, आज तो खाई लो। गर्मा गर्म के देख, मटेरियल कुछ कुछ ब्याह वाला ही है, जैसे कि खट्टी मीठी चटनी वो ब्याह वाली रख रखी है हमने। अरारोट, अरारोट तो उसमें मटेरियल ज़्यादातर जो है वही है। तो चलो भाई ताजी बना कर खुवा देंगे आज छोरे को। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे? कहना तो चाहूँगा एक खाने सोच रहा था, अब दूसरी एक कह रहा हूँ, एक ही कहूँगा। पापा जी आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बिल्कुल बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया। को भी माफ करते हैं। तो हम पूछ रहे आप तो बताओ। कोई नहीं, खा लो खा लो। तेरी शादी की वो है जो तेरी उधारी रह रही, जहाँ जिम्मेदारी हमारे हाथ में थी तो तेरी उधारी रह रही थी, वो हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो ये आगे टिक्की चाचा जी की, अब आप टेस्ट करके बताओ कैसी है। माँ को बढ़िया लगी, मजा आ गया। अच्छा, इसे बुलाया था चाट मसाला लेकर, जब तक यहाँ टिक्की का काम निपट चुका था और जब ये चाट मसाला लेकर आया, अब इसे भी बिना चाट मसाले के ही खुवाई हमने। टेस्ट कैसा था नू बता। टाइट तो जानबूझ के नहीं करी। तो अब यहाँ से टिक्की वाली चाट का काम खत्म, अब रोटियों का काम शुरू। थोड़ा हाई आटा गूंदना पड़ा प्रीति को, दूध गर्म करके पांच चार रोटी खा कर फिर बढ़ जाओ अपने बिस्तर में। नहीं परसों छोले भटूरे खाए थे, आज टिक्की खाई बस। और कल गुंजिया खाई थी, बस चल रहा अपना नई होली लो। रोटियां 1 अप्रैल से रोटी खाना शुरू कर। मार्च के बाद कोई चाट मसाला नहीं बनने वाला। अपन डाइटिंग पर तो सब डाइटिंग। जो ऐसे ऐसे डाइटिंग पर रहने लगे ना, ये ऐसे ऐसे देख। 78 किलो वजन है, 70 किलो करना, 8 किलो घटाना वजन। अभी बच्चों का है डेड और इन पर शिकंजा कस दिया इनकी मम्मी ने। शिकंजा ये कितना तो तुम्हें टीवी देखना है ना कंप्यूटर, और यहाँ पे आराम करना दोपहर हो रही है। तो एक अजी इसकी ना साइकिल लाओ, हुआ छोटी हो गई, अभी बड़ा हो गया ना। हाँ। इसकी अच्छी सी एक साइकिल लेके आओ। कैसी थोड़ी सी थोड़ी हाइट बड़ी हो थोड़ी सी, इसे ले जाके लाओगे दोनों। और कलर कैसा? कलर कलर भी अलग अलग है साइकिल में, रेड
साइकिल के टायर में व्हील कलर। बच्चों की साइकिल में बहुत सारे कलर आते हैं, कौन सा कलर पसंद है तुझे? पर्पल। नहीं, पर्पल तो लड़कियों की साइकिल का। इसकी ना मैं छोटे से के व्लॉग देखो जाऊं। ब्लैक कलर की साइकिल है ये, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर वाओ है ना। ब्राउन भी बढ़िया लगेगा और उस पे ऑरेंज बहुत सूट करेगा, मुझे पता। अच्छा, उसके टायर में। अच्छा, टायर में ऑरेंज। हां चल ठीक है, टायर में मतलब रिम जो होते हैं उसके, उनमें बहुत सूट करेगा। एक बात बता, ये कुर्ता कैसे फटाती रहे यहां से? इसने कहा यहाँ पे लेट जाओ बेड पे, नीचे। कहीं नहीं जाना, तो वो तो चकमा दे के होगी है फरार। आरुषि तो नीचे की, भाई तेरी आजादी पे पाबंदी लगा दी। एक ही आवेगी, साइकिल तो एक ही होगा, इतने थोड़ा ही ना हो। एक कलर बताऊंगा मैं। हाँ, सोच का बता दिए, सोच कभी एक बता तो दिए। चाहिए व्हील कलर। व्हील कलर, व्हील उसके टायर के नहीं होते कि भी? व्हील पे कैसा कलर? इसकी समझ में नहीं आ रहा। तुझे लेके चलूंगा शॉप पे और वहीं पे कलर अपने आप पसंद करिए और जो भी तुझे अच्छा लगेगा वही दिलवा दे। ग्रीन, ग्रीन कलर, कलर तो कर देते होंगे मैं जैसा कहते होंगे। नहीं नहीं, ग्रीन कलर कलर ऑप्शन वहीं पे चुनने पड़ते हैं और मैं बताऊंगा कौन कौन से कलर। ऐसे बता रहा जैसे ये होली के कलर हो कि कौन कौन से कलर लेने। बेटा एक ही कलर आएगा, जो भी तुझे पसंद होगा वो ले लियो। साइकिल तो चाहिए पूरी ब्लैक, फिर भी। अच्छा, साइकिल चाहिए पूरी ब्लैक। और व्हील का, व्हील का कलर अलग। व्हील का कलर है? बात यह है इन पर टाइम पास होना मुश्किल हो रहा। अब पड़ी इनकी 5 दिन की छुट्टी। सबसे पहली खबर इसने यही दी कि 5 दिन की छुट्टी पड़ेगी। व्हील कलर मैं चूज करूंगा। अच्छा, और अब ये 5 दिन कैसे काटने हैं हमें? अब भाई त्योहार है, कहीं घूमने तो जा नहीं सकते। सिल्वर कलर घर में रहना पड़ेगा। व्हील कलर सिल्वर। चल ठीक है, वो वहीं ठीक है। डन डन डन। ये भारी गलती कर ली तेरे से, कलर पूछ ले यहाँ पे। तू तो इस तरह बता रहा भाई, बहुत सारे कलर यहाँ वो वहाँ वो ऐसे ऐसे। मैं बता रही हूँ जो ये कार्टून में देखा है ना, उसमें तो कलरफुल दिखा हुआ है साइकिल को। मैं तो उसी हिसाब से ऐसे ऐसे कलर बता रहा हूँ। चल ठीक है, अब तो कलर की टेंशन न ले, अब तू कर ले आराम। और इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम।